निक्रियोंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न हो वही जे सोची लख वार चुपै चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणपा लख हो हिता इक न चलै नाल केव सचियारा होई है केव कूड़ा टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इकना हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कह न कोय गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निसाण गावै को गुण वडियाईया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेह गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथरा कथी न आवै तोट काथे काथ कथी कोटी कोट कोट देदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विकसै वे प्रवाह साचा साहिब साच नाहे भाख्या पाव अपार आखै मंगै देह दे दात करे दातार फेर के अगै रखी है जित दुसै दरबार मुहाओ के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच ना ओढ़ियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिया मन रखिया पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नारंग गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथनो न जाई गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे तिस भावा मिण भाणे के नहाए करी जेती सेठो पाई वेखा मिण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए चंगा नाम रखाए कह जस कीर्त जग ले जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे नानक निर्गुणे गुण करे गुणवंतिया गुण दे तिहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोय करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत तवल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहे न सुखै काल नानक भगता सदा विगास हो सुनया दूख पाप का नास हो सुनया ईश्वर वर्मा इंदो सुनया मुखसा लहन मन दो सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास हो सुनया दूख पाप का नास हो सुनया सत संतोख ज्ञान हो सुनया अठ सड़का स्नान हो सुनया पढ़ पढ़ पावै मान सुनया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुणा के गाह सुनया सेख पीर पातशाह सुनया अंधे पावै राह सुनया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਰਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਣ ਕੀ ਸੁਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ ਮੰਨੈ ਪਤਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥੋ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀ ਸੰਬੰਧ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਓ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ ਓ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿੱਖ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਓ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਿਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲੈ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਹੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰੀਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਉ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੱਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰਮੋਹ ਭਗਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲੇ ਵਲਾਏ ਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਮਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੇ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਤਿਪਾਹੇ ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਓ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ ਹੈ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਵਸਥ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਣ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਯੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾ ਸਾਇਆ ਆਗਾਸ ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ ਸਹਸ ਅਠਾਰਾ ਕਹਿਣ ਕਿਤੇਬਾ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਓ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਓ ਇਹ ਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਹੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜੇ ਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ
ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੁਖ ਸਦ ਮਾਰ ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹ ਖਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਹ ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇ ਕੇ ਜਿਸ ਨੋਂ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲ ਅਸਮਾਹ ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਮਾਣ ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਣ ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨੀਸਾਣ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਣ ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ ਆਖੈ ਈਸ਼ਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ ਦਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇਹੇ ਜੇਵੜ ਪਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਵਾਰ ਸੋ ਦਾਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਨਾਦਨ ਏਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਉ ਕਈਨ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵੈ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਹੈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੜਸੜ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾਂ ਬਲਸੂਰਾ ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋਤ ਪਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਨ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਦ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਜਿਵਤ ਸੁਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਹ ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆ ਈਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾ ਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਕੜੀ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ
केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धूप देस केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देस केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोट आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िया बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िया सुरा सदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मैं राम रहया भरपूर तिथे सीतो सीता मैं ममा है ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मर है न ठागे जाहे जिनके राम बसै मन माहे तिथे भगत बसै के लो कर आनंद सच्चा मन सोए सच खंड बसै निरंकार कर कर वेख नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथा ता अंत न अंत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अग्नि तपताओ भांडा पाओ अमृत तिताल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सकल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिमर मना सिमर मना राम नाम चिताए सिमर मना सिमर मना राम नाम चिताए बस रहे हृदय गोर चरण प्यारे बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे सिमर मना बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे सिमर मना सिमर मना राम नाम चितारे सिमर मना सिमर मना राम नाम पुले मार्ग जिने बताया ऐसा गुरु वड पा सिमर मना
राम नाम काम क्रोध लोभ मोह मन लीना बंधन काट मुक्त गुर कीना काम क्रोध लोभ मोह मन लीना बंधन काट मुक्त गुर कीना बंधन काट मुकुत गुर कीना बंधन काट मुकुत गुर कीना सिमर मर मना सिमर मना राम नाम चितार सिमर मना सिमर मना राम नाम सिमर मना राम नाम चितारे सिमर मना राम नाम चितारे सिमर मना राम नाम
केवल ना केवल ना हृदय में दीजे केवल ना
विसर नाही दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा के दुख दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। हर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। साचे नाम की लागे भूख उत भूख है खाए चलिए दुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सवाल संगत के कि तृष्णा की बात की है तो क्या गुरु से नहीं मांगना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम वाणी भी श्रवण कर रहे हैं केवल नाम की बात की है यहाँ पर। नाम मांगो नाम मांगो नाम। विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा के दुख के नाम छोड़ के कुछ भी मांग कर देख लिया उसमें दुख निकलता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो क्या गुरु से ना मांगे सवाल है ना मन में। क्या अच्छे घर में रहना गुनाह है अच्छा खाना खाना पाप है। मन में सवाल उठे कईयों के तृष्णा के टॉपिक पर पुखिया पुख ना उतरी जे बनना पुरिया पार। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। अब मेरे गुरु नानक पाशा कह रहे हैं कि पदार्थों को त्यागने से या पदार्थों को इकट्ठा करने से जमा करने से दोनों ही कारण करके देख ले दोनों ही कार्य करके देख ले तेरे मन की भूख शांत नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो फिर बीच का रास्ता क्या है। देखिए कितनी कमाल की वाणी है। वाणी हर प्रकार से रास्ता दिखाती है। जो जिसका सवाल है उसका जवाब वाणी में है। दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे जिसकी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से पूरी नहीं पड़ी ना उसकी कहीं से पूरी नहीं पड़ सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो क्या करें। इस बात को समझने के लिए एक बड़ी प्यारी घटना श्रवण कीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह भाई बाला जी भाई मर्दाना जी एक गांव पहुंचे। दुनिया को तारते तारते मेरे गुरु नानक पातशाह एक गांव में पहुंचे। रात का समय है सर्द की रात है सर्दी की अत की सर्दी है। भाई मर्दाना जी एक एक घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं एक एक के घर का कि रात को ठहरने की जगह दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सर्दी है पर कोई जगह नहीं दे रहा कोई दरवाजा ही नहीं खोलता। अगर कोई खोलता है
पर जवाब दे देता है कि जाओ यहाँ से, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सृष्टि के मालिक। दुनिया को तारने के लिए क्या क्या सहा गुरु नानक पातशाह ने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों ने मेरे गुरु नानक पातशाह को पत्थर तक मारे, भूतना तक कहा, बेताला तक कहा, और उन्होंने तारना नहीं छोड़ा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें कोई छोटी सी बात कह देना, हम सेवा छोड़कर बैठ जाते हैं कि फलानी ने मुझे ऐसे कहा, कल से सेवा बंद, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन मेरे गुरु नानक पातशाह। सर्द की रात एक एक के घर का दरवाजा खटखटा रहे, दुनिया को घर देने वाले, सारी सृष्टि ही जिनका घर है, वो एक एक के घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्यों तारना चाहते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कहीं आसरा नहीं मिला तो देखा एक दूर झाड़ियों में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी है, अच्छे अच्छे घर वालों ने जगह नहीं दी, टूटी फूटी झोपड़ी है, दरवाजा खटखटाया ही नहीं, बाहर ही बैठ गए बरामदे में ठंड में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है एक गरीब सिख, अत का गरीब, लकड़हारा जो लकड़ी काटता है जंगल में, रात को लकड़ी काट कर आया, देखा बाहर बैठे हैं दो फकीर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दो फकीर बाहर बैठे, उसके भाग जागे, पूर्व लिख कर्म कह लो, कह लेगा कि मेरा घर इस लायक तो नहीं है, टूटी फूटी झोंपड़ी है मेरी, पर अगर आप चाहो तो रात भीतर बिता लो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपके लायक तो नहीं है मेरी टूटी फूटी झोपड़ी, पर मेरी श्रद्धा है, मेरी बेनती है कि आप बाहर ठंड में बैठे हो, अंदर रात अंदर बिता लो। गुरु नानक पाशा मुस्कुराए पड़े, भाई मर्दाना जी, भाई बाला जी, इस घटना में ना सातसंगत जी, भाई बालाजी का नाम नहीं आया है, इस घटना में केवल गुरु नानक पाशा और भाई मर्दाना जी का नाम आया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर जगह पर ऐसे कई घटनाएं हैं जहां पर बालाजी साथ में नहीं होते थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल भाई मर्दाना जी और गुरु नानक पाशा के साथ हैं और भीतर चले गए। अंदर जाकर देखा इतनी टूटी फूटी झोपड़ी, छत भी टूटी पड़ी है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दो टूटी हुई चौपाई है, खटिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परिवार है, दो बच्चे हैं, घरवाली है, और ये है। गुरु नानक पाशा बैठ गए धरती पर, तो कह लेगा नहीं, आप धरती पर मत बैठो, आप पीर हो फकीर हो, खटिया पे बैठो। खटिया पे बिस्तर लगा दिया गया, जैसा भी उसके पास था फटा पुराना, और एक खटिया पे गुरु नानक पाशा को बिठाया और एक खटिया पे भाई मर्दाना जी को, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो रूखी सूखी थी उसके पास, जो कुछ भी था, परोस दिया गुरु नानक पाशा ने, प्रसन्न होकर खाया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस गरीब सिख ने गुरु नानक पाशा को, भाई मर्दाना जी को खटिया पर भी आराम करने के लिए दे दिया, खुद सारा परिवार धरती पर लेट गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठंड में, ठंड का समय है, उनके पास रजाइयां भी उतनी नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी प्रकार से एडजस्ट किया और नीचे लेट गए। गुरु नानक पाशा सब देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु नानक पाशा ने और इम्तिहान लिया, नेत निरंकार की निरंकार कौन, गुरु नानक पाशा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक तू ही निरंकार, धन गुरु नानक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, धन गुरु नानक।
नानक तू ही निरंकार। धन बाबा नानक तू ही निरंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पाशाह, सर्द की रात, झोपड़ी टूटी हुई, छत भी टूटी हुई, लीक होती है छत, बरसात आ गई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पानी घर के अंदर छत से गिर रहा है और गिर भी रहा है गुरु नानक पाशाह के ऊपर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस परिवार ने एक चादर इकट्ठी की, अपनी रजाई इकट्ठी की, चारों तरफ से पकड़ कर खड़े हो गए कि पीर है, इनके आराम में बिगड़ न पड़े, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक बरसात होती रही, ये खड़े रहे तलाई लेकर, अपनी रजाई लेकर के गुरु नानक पाशाह के ऊपर पानी न गिरे, गुरु नानक पाशाह मुस्कुरा रहे हैं। अमृत वेला हुआ, गुरु नानक पाशाह भाई मर्दाना जी ने कीर्तन शुरू किया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मर्दानिया तार छेड़ रबाब के, मेरे धन गुरु नानक सच्चे पाचा। कई बार दास सोचता है कैसा कीर्तन होता होगा, इतनी बार लिखा है कि जानवर तक ठहर जाते थे, पक्षी तक उड़ना भूल जाते थे, कोई आगे गुजर नहीं पाता था जब मेरे गुरु नानक पाचा कीर्तन करते थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अज्यूम तक नहीं कर सकते हम कि वो क्या होता होगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बोल मर्दानिया सत करता, बोल मर्दानिया सत करता, बोल मर्दानिया सत करता, बोल मर्दानिया सत करता, सत करतार भाई सत करता, करतार भाई सत करतार, बोल मर्दानिया सत करतार। बोल मर्दानिया सत करतार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये परिवार भी बैठकर कीर्तन सुन रहा है, कीर्तन का भोग पड़ा, सुबह हुई। मेरे गुरु नानक पाशाह सारे परिवार से कहते हैं कि जाओ नदी पर स्नान करके आओ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे परिवार को भेज दिया नदी पर स्नान करने, और भाई मर्दाना जी से कहते हैं कि जो भी ये खटिया है घर में, जो भी सामान है बाहर निकाल करके, परिवार गया है नदी पे स्नान करने, गुरु नानक पाशाह टूटी हुई खटिया बाहर निकाल दे, और भाई मर्दाना जी से कह दे तोड़ दे इसे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई मर्दाना हैरान, पाशाह पहले गरीब है, इतनी सेवा की है, अमीरों ने जगह नहीं दी, घर में से गरीब ने दी है, और आप कहते हो इसका जो बचा खुचा है वो भी तोड़ दे। गुरु नानक पाशाह कहते हैं वचन मान मर्दानिया। मर्दाना समझ गया कोई भेद है, चौपाइयां तोड़ दी। अब गुरु नानक पाशाह कहते घर को आग लगा दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी ने घर को आग लगा दी, परिवार आया देख रहे घर को आग लगी है, गुरु नानक पाशाह परिवार की तरफ देख रहे हैं कि अब क्या कहते हैं ये, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो लकड़हारे सिख के आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा मुझे घर जलने की कोई परवाह नहीं, कोई दुख नहीं, दुख इस बात का है कि शायद आपकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाए इसलिए आप नाराज हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संतोख, बिना संतोख नहीं को राजा, ये संतोखी सिख, इतना गरीब होते हुए भी संतोख है इसे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पाशाह ने कुछ नहीं कहा और वहां से भाई मर्दाना जी के साथ चले गए। भाई मर्दाना की आंखों में आंसू, कहने लगे पाशाह आपने क्या किया मेरे समझ में नहीं आया,
मेरे गुरु नानक पाशा मुस्कुरा के कहने लगे, मर्दानिया इतना संतोखी सिख देखकर इस गरीब ने इतनी भावना से सेवा की है। हमारे मन में यह विचार आया, जिसका दिल इतना बड़ा है, इतना खुला हुआ दिल है, उसके हाथ भी खुले हुए होने चाहिए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। आज के बाद इसकी गरीबी खत्म, अब ये महलों में रहेगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। दुनिया के सारे पदार्थ इसके चरणों में होंगे, इसके लिए इसका घर तोड़ दिया है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और आगे चल के ये घटना आती है, गुरु नानक पाशा कई सालों बाद जब यहाँ से वापस गुजरे तो एक बहुत बड़े सेठ ने उनकी सेवा की, तो भाई गुरु नानक पाशा मर्दाने जिसे कहते हैं, ये वही है लक्कड़हारा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, ध्यान से सुनना, संगत का सवाल क्या है, क्या हमें अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए, क्या हमें अच्छे घर में नहीं रहना चाहिए, तृष्णा का मतलब गुरु से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अभी अगर ऐसा होता तो गुरु नानक पाशा उसकी गरीबी खत्म करके उसको हवेली क्यों बना के देते। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक तो चाहते ना मेरा सिख राजा हो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। तो फिर क्या है इसका भाव, संतोख का भाव क्या है, तृष्णा का भाव क्या है? वाणी समझाती है, वाणी बड़ी गहराई से समझाती है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। आई दो पंक्तियां पढ़े, फिर वो वाणी समझे कि पाछा क्या कहना चाहते हैं। नाम 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 अपना नाम दे है, तिनका खादा पैदा माया सब पवित्र है, जो नाम हर राते इतनी कीमती पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में सारे सवालों का जवाब है। बाबा नैन सिंह जी के वचन, यह धरती, ये सारे सामान जो भी दिखाई दे रहा है, जितने भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, केवल निरंकार ने नाम जपने वालों के भोगने के लिए बनाए हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अपने साधुओं संतों के लिए बनाए हैं। नाम जपने वाला कहीं भी खाए, कितना भी खाए, उसका हिसाब नहीं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। हिसाब मनमुख का है, गुरुमुख का नहीं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन, मनमुख हर दाने का हिसाब देना होगा, गुरुमुख क्योंकि मनमुख अपने कर्म का खाता है, गुरुमुख गुरु का खाता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। गुरुमुख कहीं भी खाए, नाम जपने वाला वो गुरु का दिया हुआ खाता है, किसी का एहसान नहीं उस पर, वो खा कर एहसान करता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तीसरे गुरु नानक, गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, तिनका खादा पैदा माया सब पवित्र है,
उनका पहना हुआ, उनका खाया हुआ, उनका भोगा हुआ, उनका माया खर्च की हुई कमाई हुई सब पवित्र है, जो नाम हर राते, जिनका मन नाम में डूबा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मांगना उनका जायज है गुरु के आगे, खाना उनका जायज है, बिजनेस उनका जायज है जो नाम जपते हैं, जो अमृत वेला संभालते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नहीं जपते उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सवाल यह है कि गुरु से मांगना जायज है कि ना जायज? जायज है अगर आप नाम जपते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जायज है अगर अमृत वेले उठ के समाधि लगाते हो, नित्यनेम बढ़ाते हो। अगर गुरु एक दुकान से दो दुकान देते हैं तो शुक्राने में नित्यनेम बढ़ा देते हो, जायज है सब। और अगर भूल जाते हो तो ना जायज है सब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए। इनके कर मंदिर महल सराई सब पवित्र है, जिन गुरमुख सेवक सिख अब आगत जाए वरसाते, जाए वरसाते। क्या बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना क्लियर कहा है, तिनके घर मंदिर महल सराई सब पवित्र है, किनकी? जिन्नी गुरुमुख सेवक सिख अभ्यागत जाय वरसाते, उनकी गाड़ियां उनके बंगले सब पवित्र है, किनके? जिनके घर में नाम जपने वाले आकर जिनकी सेवा होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनके घरों में नाम जपने वालों की सेवा होती है, जिनकी गाड़ियों में नाम जपने वालों के चरण पड़ते हैं, जिनकी गाड़ियों में संगत आती है अमृत वेले, वो सब पवित्र है, उनका मांग गाड़ियां मांगी हुई भी जायज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मांग के पीछे कारण क्या? सेवा। बड़ा घर चाहिए पाछा ताकि मैं साधु संतों की सेवा कर सकूं, भावना क्या है? सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीछे क्या खड़ा है? नाम। अगर भावना नाम जपने की है, भावना सेवा करने की है, तो गुरु से मांगना जायज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी बात भावना की है। तृष्णा क्या है और इसकी कोई कमी? बड़ी ध्यान से समझना जो सारा टॉपिक चला है। तृष्णा का भाव होता है कि चाहे कितने भी पदार्थ इकट्ठे हो जाए कम लगते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेसिक नीड्स की बात नहीं की। एक गाड़ी मांगना जायज है, घर अच्छा होना जायज है, पर अच्छा घर हो, पड़ोसी का देख के बंगला फिर मांगना, ये तृष्णा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन बड़े कीमती हैं। कहते थे, बच्चे कहने में हो, घरवाली आज्ञाकारी हो, प्रेम हो घरवाली से, बच्चे कहने में हो, किसी का कुछ देना ना हो, ये तीन बातें, बच्चे कहने में हो, घरवाली प्रेम से प्रेम हो, और किसी का कुछ देना ना हो, कर्जा ना देना हो, ये तीन बातें अगर हैं परिवार में, उसके बाद गुरु से कुछ मांगता है तो गलत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा संतोष कर जाए और क्या चाहिए? और की तो कोई कमी नहीं है। अगर किसी का कर्जा नहीं देना है तो गुरु से मत मांगो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मांगना है तो फिर भावना ये होनी चाहिए, सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऊंची सोच। अब मानो कोई लंगर में सेवा करता है, वो देखता है कि सामने वाला एक गोनी चावल की चढ़ा के गया है, मैं सिर्फ एक किलो चावल चढ़ा पाता हूँ। उसका मन करता है कि मैं एक गोनी चढ़ाऊं चावल की, पर पैसे नहीं है। फिर गुरु से अरदास करता है, पाछा मुझे दे ताकि मैं सेवा कर सकूं, जायज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी सोच नेक है। दूर से आता है गुरुद्वारे में, गाड़ी नहीं है, पैदल चल के आना पड़ता है या उसे वेट करना पड़ता है किसी के, मांगे गुरु पाछा गाड़ी दे मैं गुरुद्वारे टाइम पे पहुंचू अमृत वेले, जायज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत की सेवा करना चाहता है, मन करता है मेरे पास टू व्हीलर है, फोर व्हीलर होता तो मैं भी संगत को लेके आता, मांगता है गुरु से गाड़ी, जायज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, तिनके घर मंदिर महल सराय सब पवित्र है, जिन्हें गुरुमुख सेवक सिख अभ्यागत जाय वरसाते। इसीलिए कहा है मांग तो नाम, क्यों? नाम मांगेगा सारे सुख अपने आप मिल जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये एक स्टेज है, ये एक स्टेज है
जिसमें सिख मांगता है सब कुछ। कबीर जी ने मांगा है, धन्य जी ने मांगा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटी से छोटी चीज मांगी, आगे आएगा वो बात, क्यों मांगी है उसके बारे में ये भी बताया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए कंफ्यूजन खत्म करो, मन में लालच रख के मांगना किसी और का देखकर, ईर्ष्या करके मांगना ये गलत है। बेसिक नीड्स मांगना, और किससे मांगेंगे, गुरु से नहीं मांगेंगे तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये एक अवस्था है। और एक ऊंची अवस्था है, क्या होता है ना, अभी बात हो रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड की, अभी टेंथ ट्वेल्थ की बात नहीं हो रही। जो उस क्लास में पहुंच जाते हैं ना, वो ये देख चुके होते हैं कि सब कुछ मांग के देख लिया, हर चीज में दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर वो कहते हैं दे नाम संतोखी अपाचा, सब कुछ मांग के देख लिया, विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा के दुख, दे नाम संतोखिया। फिर अंदर से पुकार निकलती, पाचा सब कुछ पा लिया, सब कुछ है मेरे पास, अब समझ में आ गया कुछ नहीं है इनमें, अब दे नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गा रहे हैं ना, अब गा रहे हैं तब पुकार निकलेगी, अब हृदय से निकलेगी, पाचा देख लिया सब कुछ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम 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 अपना नाम दे हो, नाम 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 अपना नाम दे हो, सब पवित्र है। तिनके तुरे जी खुरगी सब पवित्र है, जिन गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाते। तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित्र है, उनके घोड़े, घोड़े के ऊपर बैठने के लिए जो बिठाई जाती है जीन, उसे जीन कहते हैं, सब पवित्र है उनके। जो भी सामान वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय में, उस जमाने में गाड़ियां नहीं होती थी ना, घोड़े होते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज के जमाने की गाड़ियां पकड़ लो, जिन्नी गुरुमुख सिख साध संत चढ़ जाते, जिन गाड़ियों में संत चढ़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन घोड़ों पर साधु बैठे उनकी सेवा हो, वो तेरे सारे पवित्र हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, भाव गुरु से ये मांगना जायज है अगर तेरी सोच नेक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे इनके कदम कदम कार्य सब पवित्र है, जो बोले हर हर राम नाम हर साते हर साते हर साते राम नाम हर साते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित्र है, उनके किए हुए हर धर्म के कार्य पवित्र हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किन के, जो बोले हर हर राम नाम हर साते, जो हर वक्त उनकी रसना नाम जपती रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नाम जपते हैं उनका किया हुआ हर कार्य नेक ही होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धार्मिक कार्य क्या है, तीर्थों का स्नान क्या है, धार्मिक कार्य। दान देना क्या है, धार्मिक कार्य। अगर नाम नहीं जपते, पाचा कहते तेरे धार्मिक कार्य किसी कार्य नहीं, किसी लेखे नहीं, पर अगर नाम जप कर किए जाए तो एक एक का फल कई गुना ज्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिनके पोते पुन है से गुर सिख सिख गुरु पह जाते, जिनके पल्ले में संस्कार रूप पुण्य है वही गुरु के शरण में आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यहाँ पर भगत कबीर जी कह रहे हैं, देखना
कितनी कमाल का पहलू है, ये शब्द तो इतने कमाल का है ना, सारे डाउट क्लियर कर देगा। भगत कबीर जी, सारी वाणी जो हमने श्रवण की है ना तृष्णा के ऊपर, 90% वाणी वो भगत कबीर जी की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो बार बार कह रहे हैं कि जितने भी पदार्थ इकट्ठे कर लो तृष्णा नहीं खत्म होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तृष्णा का जो टॉपिक था, भुखिया भुखना उतरी जय बन्ना पुरिया पार, इतने दिन जो चला 90% वाणी कबीर जी की ली गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ कबीर जी खुद क्या कर रहे हैं, शरण कीजिए। भूखे भगत न कीजे यह माला अपनी लीजे, भूखे भगत न कीजे यह माला अपनी लीजे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कह रहे हैं भगवान से कि भूखे पेट मुझसे भक्ति नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो दिखावे की भक्ति हो जाएगी, अंदर भूख लगी है बाहर माला लेके बैठो, इसलिए ये माला मैं रख रहा हूँ, या तो मुझे पहले भोजन दे फिर मैं नाम जपूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब क्या कर रहे हैं कबीर जी, मांग रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें समझा रहे हैं कि कुछ मैं मांगो, खुद मांग रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये तो कथनी करनी में फर्क हो गया ना, कबीर जी उनकी कथनी करनी में फर्क कैसे हो सकता है, बड़ी ध्यान से विचारना पड़ेगा इस बात को। कबीर जी कहते हैं भूखे पेट मुझसे भक्ति नहीं होती, हे राम इसलिए मैं तेरी माला रख रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर एक बात बड़ी कीमती है, कबीर जी कह रहे मैं माला रख रहा हूँ, भाव पहले माला पकड़ी थी ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज कहीं मिल जाएंगे आपको कि नाम गिन गिन कर क्यों लेते हो, वो गिन गिन कर थोड़ा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरे वो बात अलग है, गिनती से बाहर होने के लिए ही माला पकड़नी पड़ती है, पहले केजी में जाना पड़ता है फिर एमए होती है, कोई सीधा एमए में नहीं बैठ जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डायलॉग बड़ा अच्छा है कि वो गिन के नहीं देता तू गिन के क्यों करता है, शुरुआत में गिनना पड़ता है, फिर एक समय आता है। कबीर जी कहते हैं कंठे माला जेवा राम, अब मेरा कंठ माला बन गई, हाथ की माला की जरूरत नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर नाम, कि मेरी रसना ही माला बन गई है, वो जप रही है अंदर, अभी हाथ की माला की जरूरत नहीं। जिस दिन हृदय में नाम चलना शुरू हो जाएगा, बाबा रामचंद्र जी कहते थे माला पकड़ाते इसके लिए कि एक दिन माला छूट जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर बिना पकड़े नहीं छूटेगी, जो लोग कहते हैं ना पकड़ने की जरूरत नहीं, वो जपते भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे कबीर जी कहते हैं हाँ मांगो संतन रे ना, मैं ना ही किसी का देना। हाँ मांगो संतन रे ना, मैं ना ही किसी का देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कह रहे कबीर जी कि हे निरंकार, मैं संतों के आगे झुक जाऊंगा, उसकी जरन दूर बढ़ा दी मुझे, वो मुझे अच्छा भी लगेगा, पर किसी और के आगे मेरा सर मत झुका, मैं ना ही किसी का देना। मुझे तू दे जो मुझे चाहिए, तू दे भोजन, तू दे कपड़े, तू दे हर चीज तू दे, मुझे किसी दुनिया के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, अगर वो फैलाना पड़ गया तो इससे पहले मुझे मौत दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाँ मांगो संतन देना, संतों की मैं धूड़ी बनकर रहने को तैयार हूं, उनके आगे झुक जाऊंगा, उनके आगे हाथ फैला दूंगा, पर दुनिया के आगे नहीं, मुझे दुनिया के आगे शर्मिंदा मत कर, मुझे हर चीज तू दे ताकि मुझे किसी से मांगनी ना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाँ मांगो संतन देना, मैं ना ही किसी का देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे कहते हैं माधो बने तुम संगे, आप न दे हो कले वो मंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी प्रभु से बातें कर रहे हैं, क्या कहते हैं,
माधो कैसी बने तुम संगे, अगर घरवाली अपने पति से शर्माती रहेगी तो रिश्ता कैसे कायम होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मैं तुझसे नहीं मांगूंगा अपना समझ के तो किससे मांगूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अगर तू नहीं देगा तो मैं तुझसे मांग कर ले लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, आप ना दे हो तो ले वो मंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तू देना भूल गया है इसलिए मैं तुझसे मांग रहा हूँ कि मुझे दे। और आगे की लिस्ट रख दी है कबीर जी ने कि क्या क्या दे, शरण कीजिए। दो सिर मांगो चूना पाओ घीओ संग लूना। घर से बोलिए धन गुरु नानक, दो सिर मांगो चूना, चूना का है आटे को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मुझे रोज का दो सिर आटा चाहिए कबीर जी कह रहे भगवान से, एक पाव घी चाहिए, पाव घी हो संग लूना और थोड़ा नमक चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी लिस्ट रख रहे हैं भगवान के आगे, हमें क्या कह रहे हैं कि मत मांगो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और खुद आटा भी मांग रहे हैं, घी भी मांग रहे हैं और नमक भी मांग रहे हैं, और डेली का बता रहे हैं कि मुझे रोज इतना लगता है, दो सिर मांगो चूना, मेरे परिवार को इतना लगता है, दो सिर आटा, एक पाव घी और थोड़ा नमक। और आगे कहते हैं आज सिर मांगो डाले मुको दोनों वक्त जेवाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, आध शेर मांगो दाले, आधा शेर मुझे दाल भी चाहिए और इतना काफी है मेरे दो वक्त के लिए, मुको दोनों वक्त जीवाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दो शेर मांगो चूना पाओ गियो संग लूना, अध शेर मांगो दाले मुको दोनों वक्त जीवाले, ये दोनों वक्त के लिए मेरे काफी है इतना मुझे दे। आगे खाट मांगो चौपाई सिद्धाना वीर तुलाई उपद को मांगो किंदा तेरी भगत करे जन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, खाट मांगो चौपाई, खाट मांगी है कौन सी, वो भी चार पाई वाली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सिरहाना अवर तलाई, सिरहाना भी चाहिए और तलाई भी चाहिए नीचे खाट के ऊपर बिछाने के लिए, जिसपे सोना होता गद्दा भी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कबीर जी लिस्ट रख रहे हैं प्रभु के आगे कि ये मुझे चाहिए, खाट मांगो चौपाई सिरहाना अवर तलाई, नीचे तलाई ऊपर सिरहाना, ऊपर से ऊपर को मांगो खींदा, अब ऊपर ओढ़ने के लिए मुझे कंबल रजाई भी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पर आखिर में कितनी प्यारी बात की है, ऊपर को मांगो खींदा, ये ज्ञान है ले लो। क्या कह रहे हैं कबीर जी, तेरी भगत करे जन बींदा, मैं ये सब इसलिए मांग रहा हूं ताकि भक्ति मन लगा के कर सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मुझे चिंता ना रहे भोजन की, मुझे चिंता ना रहे मेरी बेसिक नीड्स की, इसके लिए मैं तुझसे मांग रहा हूं ताकि मैं बैठ के निश्चिंत होकर तेरा नाम जप सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं मैं ना ही किता लबो, आगे कहते हैं मैं ना ही किता लबो, मैं लोभ के वश होके नहीं मांग रहा, लालच से नहीं मांग रहा, इसलिए मांग रहा हूं कि मुझे चिंता न रहे इन सामान की और मैं मन जोड़कर तेरे चरणों से मन जोड़ सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मांगना जाए जाए अगर मांग के पीछे है नाम, कि पाछा मैं टेंशन में बैठा हूं, ग्राहक नहीं आ रहे, घर कैसे चलेगा, नाम में मन नहीं लग रहा, तरस करके चल पड़े दुकान ताकि नाम मैं मन जोड़कर कर सकूं, मुझे चिंता ना रहे, अगर ये बात है तो जायज है। और अगर ये बात है कि सामने वाली दुकान में ग्राहक ज्यादा जा रहे हैं, मेरे में कम आ रहे हैं, इसलिए मेरे को ग्राहक भेज, ये नाजायज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अगर लालच में हम मांग रहे हैं या दूसरे से ईर्ष्या करके मांग रहे हैं तो गुनाह है। और अगर बेसिक नीड्स मांग रहे हैं, नाम जपने के लिए मांग रहे हैं कि मन गुरु के चरणों से जुड़े, पाछा तरस कर मेरा कर्जा उतार ताकि मैं निश्चिंत होकर तेरा नाम जप सकूं, नितनेम बढ़ा सकूं, गुरुद्वारे जाके सेवा कर सकूं, हरिमंदर साहब में ऐसे ऐसे बाबा जी की कृपा से श्री अमृतसर साहब में लोग हैं जो रात को अरदास करते हैं, पूरी रात सेवा करते हैं हरिमंदर साहब में, और आखिर में अरदास करते हैं कि हमें दिन का इतना खर्चा है जितना भी घर चलाने के लिए चाहिए, वो पूरा हो गया हम छटर नीचे करके सेवा में आ जाएंगे हरिमंदर साहब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अब इतना संतोष है कि जितना चाहिए उतना मिल गया, ग्राहक आ गया है, उसने इतना खरीदारी कर ली कि पूरे दिन का काम हो गया, तो बैठे नहीं रहते, हरिमंदर साहब आ जाते हैं सेवा करने,
ये है संतोख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि गुरु ने जितना चाहिए था उतना दे दिया, बाकी समय सेवा सिमरन, और की तो कुछ लिमिट ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए मांगना जायज है। कबीर जी कह रहे हैं, मैं ना ही कितना लबो, एक नाम तेरा मैं फबो। तेरा नाम पकड़ने के लिए, नाम में मन जोड़ने के लिए मैं तुझसे ये सारा सामान मांग रहा हूँ हे परमात्मा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहे कबीर मन मान्या, मन मान्या तो हर जानिया। मेरा मन मान चुका है कि तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, मैं तुझे जान चुका हूँ हे प्रभु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए ना ना नाम अपना नाम दे हो, नाम 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 अपना नाम दे हो, पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दे रचा। पूरन होए चित के इच्छा, तब चरणन मन रहे हमार। अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावो। आपो हाथ दे मोए बचावो, सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए। सबैरन को आज संगरिए, पूरन होए हमारी आशा। और भजन के रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई और ना क्या। जो पर चाहो सो तुम ते पाओ, सेवक सिख हमारे तारी है। चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उभरी है। अर्घ काल का त्रास नुवारी है, पूजो सदा हमारे पछा। तुझ जो करो रचा, राख लियो मोए राखण हार। साहिब संत साहिब प्यार, दीन बंध दुष्टन के हंदा। हो पुरी कतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा। काल पाए सब जो अवतरा, काल पाए कर विषण प्रगासा। सकल काल का किया तमासा, जवन काल जो की शिव कियो। वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताए हम जमन काल सब जगत बनायो। देव दैत जल छनि उपजायो, आद अंत के अवतारा। सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी। सकल प्रजा जिने आप सवार, सेवकन को शिव गुण सुख दियो। सकरन को पल मोहबत दियो, कट कट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंजर अस्तोला। सब पर कृपा दृष्ट कर भोला, संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान। कट कट के पट पट के जान, जब उदकर्ष करा कर तारा। प्रजा तर्क तब दे अपारा, जब अकर्क करत कब। जेते बदन श्रेष्ठ सब दार, आप अपने बोझ उतार। तुम सब ही ते रहत निरालम, भेद भेद
अद अरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभव तांका मूढ़ उचारत भेदा को पेव न पापद भेदा तांको कर्पान अनुमानद महा मूढ़ कछ भेद न जान महान देव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्हत न पेव आप अपनी बुद्ध है जेती पिन पिन तो तुमरा लखा न जाए पसारा सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा प्योरा कई पोपा अंडज जेरज से तज कीनी कुछ खान बहो रच दे कहूं फूल राजा अब बैठा सपट प्यो संतरे बैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अंभव अब रक्षा मेरी तुम करो करो दुष्ट जिते उठवती उत पाता सगल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब सरणी पर दुष्ट दुखत हव मरे पुरख जवन पग परे तिहारे इनके तुम संकट सब जो कल को एक बार दे है ताके काल न कटने और अच्छा होई ताए सब काला उसके अरिष्ट करे तत्काला कृपा दृढ़ तन जाए निहरो ताके ताप तनक मोहर और ए तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा छै सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा पास ते ताए जिन नर नाम तिहारो कहा दुष्ट लोग तेरा खड़ग केत में शरण तिहारी हाथ दे ले ओ बारी सर्व डोर मो सहाई दुष्ट लोग ते ले ओ बचाई खड़ग केत में शरण तिहारी हाथ दे ले ओ बारी सर्व डोर मो सहाई दुष्ट दुख दे ले ओ राम कली महला तीजा नंद क्योंकार सतगुरु प्रसाद आनंद प्या मेरी माए सतगुरु मैं पाया रग रतन परिवार परियां शब्द गावने आया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया हर नाल रतु मन मेरे दुख सब विसारना सब नांगल समरथ स्वामी सुख मनो विसारे साते साहेबा क्या नहीं करते रहे सदा सिद्ध सलाह तेरी नाम मन वसावे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे सच नाम मेरा आधारो सच नाम आधारो पर शांत सुख मन आयु से जिन चा सपू जाया कहे नानक सुनो संतो सब तरो पे आरो सच नाम मेरा आधारो वजे पंच जो तुद वस कीते काल खंड कुमारिया कहे नानक तैस को अत करन दवाजे पर ब्रह्म प्रपाया त्रि सगले सूरे संत सजन पै सर से पूरे गुर के जान सुनते कहते पवित्र सतगुरु रहा पर पूरे वाजियन हद तू जी आनंद सुनो वड पागियो सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दो दाही दाया खेले सगल जगत चंगियां बुरियां वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मुसकत काल नानक ते मुख उजले
केते छुपिना भुला चुका दिखीवा बख्शनी फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शुक्र करा गुरु जी थोड़ा शुक्र करा शुक्र करा गुरु जी थोड़ा शुक्र करा तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा मेरी बनी रही जी बात गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा मेरे बदल गए हालात गुरु जी शुक्र करा मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा मेरी सुन ली तू अरदास गुरु जी शुक्र करा शुक्र करा शुक्र करा गुरु जी
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा Oh.
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जो ग्राउंड फ्लोर पर मरीज बैठे हैं, बाहर से आए हैं हॉस्पिटल से, उन्हें ये पेपर जरूर दे दिए जाए, वो वांझे ना रह जाए। एक बात यहां पर दास स्पष्ट कर दे साथ संगत जी के, जो शब्दों का जाप दास कराने जा रहा है, मेरी जगह कोई दूसरा कोई भी बैठा होगा ना, आप में से भी कोई, तो भी ये वही चमत्कार करेगी जो मेरे बोलने से होने वाला है। कहने का भाव, ये इसलिए देह अरोग नहीं होगी हमारी क्योंकि ये मैं करा रहा हूं, ये इसलिए होगी क्योंकि ये गुरबाणी की ताकत है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे पास कई लोग आते हैं कि हमारी देह अरोग हो जाएगी ना, हम आएंगे यहाँ पर, तो मैंने कहा मेरे कहने से नहीं होगी, ये आपकी भावना से होगी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जैसी जैसी भावना तैसा तैसा फल। गुरु मेहर करें हमें सुनने की, मन जोड़कर जपने की सुमत बख्शे, कृपा करें। आओ अब मन बिरत्या एकाग्रचित कर लीजिए, पीठ सीधी कर लीजिए, सावधान हो जाइए बिल्कुल, और सेवादारों से बेनती, किसी भी प्रकार का शोर ना होने दें, किसी भी प्रकार का। गुरु मेहर करें कि बिल्कुल मन एकाग्रचित हो जाए। गुरु नानक पातशाह मेहर करके हमारा मन अपने चरणों से जोड़ ले। मेरे देह में भी रोग है, इसकी देह में भी रोग है, ये भी बीमार है, हम सब बीमार हैं, किसी को छोटी बीमारी किसी को बड़ी। गुरु मेहर करें, गुरु नानक मेहर करें, तक की नहीं हो सकता,
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये गुरु नानक की मेहर के बिना हो सकता है इतनी संगत रात को जुड़ी बैठी है संगत में सत्संगत में? ये गुरु नानक की मेहर है यहाँ पर विशेष, आओ सब मिलकर पढ़े धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहले 13 बार मूल मंत्र का जाप, फिर उसके बाद इन शब्दों का जाप। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहुं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहुं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहुं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहुं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहुं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहुं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहुं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसि भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहुं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहुं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहुं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहुं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहुं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहुं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहुं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।
धन गुरु नानक 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 बाणी गुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी गुरु है बाणी विच बाणी विच बाणी अमृत सारे अमृत सारे बाणी गुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी गुरु है बाणी विच बाणी विच बाणी अमृत सारे अमृत सारे गुरबाणी कहे गुरबाणी कहे सेवक जन माने सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तारे तीने ताप तीने ताप निवारण हारा निवारण हारा दुख हंता दुख हंता सुख रास सुख रास तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास सुख रास ताको विघन ना को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास ताको विघन ना को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको विघन ना लागे जाकी प्रभु आगे अरदास ताको विघन ना को लागे विघन ना को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास मलार महला चौथा मलार महला चौथा हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राण नाथ अनाथ सखे अनाथ सखे दीन दर्द निवार 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 हे समरथ अगम पूरन मोह माया धार अंधकूप महापयान नानक पार उतार नानक पार उतार नानक पार उतार नानक पार उतार बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तारे कोर दुख्यं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं महाबिख्यादं महाबिख्यादं कोर दुख्यं
अनिक हत्यं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं जन्म दारिद्रं महाविख्यादं महाविख्यादं मिटंत सगल मिटंत सगल सिमरंत हर नाम सिमरंत हर नाम नानक जैसे नानक जैसे पावक कासट पावक कासट पसमंग करोत पसमंग करोत नानक जैसे नानक जैसे पावक कासट पावक कासट पसमंग करोत पसमंग करोत घोर दुख्यं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं महाविख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट भस्मं करोत पौड़ी पौड़ी लल्ला लावो लल्ला लावो औखद जाहु औखद जाहु दुख दर्द तह मिटह खिनाहु तह मिटह खिनाहु दुख दर्द तह मिटह खिनाहु तह मिटह खिनाहु दुख दर्द तह मिटह खिनाहु तह मिटह खिनाहु नाम औखद जह हृदय हितावे ताहे रोग सुपने नहीं आवे हर औखद सब घट है भाई गुर पूरे बिन विद ना बनाई गुर पूरे संजम कर दिया नानक तो फिर दुख ना थिया नानक तो फिर दुख ना थिया नानक तो फिर दुख ना थिया बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे सलोक दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ भैरव महल्ला चौथा उठत सुखिया बैठत सुखिया भाव नहीं लागे जा ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी राखा एक हमारा स्वामी राखा एक
राखा एक हमारा स्वामी सगल घटाका अंतर जामी रहाओ सोए अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रभ तू वर्तन्ता घर सुख वसया बाहर सुख पाया कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया घर सुख वसया बाहर सुख पाया कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तारे एक आस हर मन रखो एक आस राखो मन माहे एक आस राखो मन माहे एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे सर्व रोग नानक मिट जाहे एक आस राखो मन माहे राखो नानक मिट जा सोरठ महल्ला पंजवा गए कलेश रोग सब नासे प्रभ अपने कृपा धारी आठ पहर आराधो स्वामी पूरन घाल हमारी हर जियो तू सुख संपत रास हर जियो तू सुख संपत रास राख लेहो भाई मेरे को प्रभ आगे अरदास राख लेहो भाई मेरे को प्रभ आगे अरदास जो मांगो सोई सोई पावो अपने खसम भरोसा अपने खसम भरोसा कहो नानक गुरपूरा भेटियो मिटियो सगल अंदेशा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे अनेक उपावी रोग ना जाए अनेक उपावी रोग ना जाए रोग मिटे हर औखद लाए रोग मिटे हर औखद लाए अनेक उपावी
रोग न जा। रोग ना जाए, रोग मिटे हर आँख दे, हर आँख दिलाए, रोग मिटे हर आँख दिला। राग बिलावल, राग बिलावल महला पंजवां, महला पंजवां दुपदे कर पंजवां, कर पंजवां एक ओंकार, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर प्रसाद अवर उपाव, अवर उपाव सब त्यागिया, सब त्यागिया दारू नाम लया, दारू नाम लया अवर उपाव, अवर उपाव सब त्यागिया, सब त्यागिया दारू नाम लया, दारू नाम लया ताप पाप, ताप पाप सब मिटे रोग, सब मिटे रोग शीतल मन भया, शीतल मन भया गुरपूरा, गुरपूरा आराध्या, आराध्या सगला दुख गया, सगला दुख गया राखन हारे राखिया, राखन हारे राखिया अपनी कर्मया, अपनी कर्मया गुरपूरा आराध्या, गुरपूरा आराध्या सगला दुख गया, सगला दुख गया राखन हारे राखिया, राखन हारे राखिया अपनी कर्मया, अपनी कर्मया बाहां पकड़, बाहां पकड़ प्रभ काट्या, प्रभ काट्या कीना अपनया, कीना अपनया सिमर सिमर, सिमर सिमर मन तन सुखी, मन तन सुखी सिमर सिमर, सिमर सिमर मन तन सुखी, मन तन सुखी नानक निर्भया, नानक निर्भया नानक निर्भया, नानक निर्भया बाणी गुरु, बाणी गुरु गुरु है बाणी, गुरु है बाणी विच बाणी, विच बाणी अमृत सारे, अमृत सारे गुरबाणी कहे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे गुरपूरे, गुरपूरे कृपा करी, कृपा करी काट्या दुख रोग, काट्या दुख रोग गुरपूरे, गुरपूरे कृपा करी, कृपा करी काट्या दुख रोग, काट्या दुख रोग मन तन शीतल, मन तन शीतल सुखी भया, सुखी भया प्रभ ध्यावन जोग, प्रभ ध्यावन जोग मन तन शीतल, मन तन शीतल सुखी भया, सुखी भया प्रभ ध्यावन जोग, प्रभु ध्यावन जोग गुरपुरे कृपा काटिया मन तन, मन तन शीतल, मन तन शीतल सुखी भया प्रभु ध्यावन जो। बिलावल महला पंजवा, बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया, रोग मिटाया आप प्रभ, आप प्रभ रोग मिटाया, रोग मिटाया आप प्रभ, आप प्रभ उपजा सुख शांत, उपजा सुख शांत वड प्रताप, वड प्रताप अचरज रूप, अचरज रूप हर किन्ही दात, हर किन्ही दात गुरु गोविंद, गुरु गोविंद कृपा करी,
कृपा करी। राख्या मेरा भाई, राख्या मेरा भाई, राख्या मेरा भाई, राख्या मेरा भाई। हम तिसकी शरणागति, शरणागति जो सदा सहाई, जो सदा सहाई। हम तिसकी शरणागति, शरणागति जो सदा सहाई, जो सदा सहाई। रहाओ रहाओ बिरथी कदे ना हो वही, बिरथी कदे ना हो वही। जन की अरदास, जन की अरदास, जन की अरदास, जन की अरदास। बिरथी कदे ना हो वही, बिरथी कदे ना हो वही। जन की अरदास, जन की अरदास। नानक जोर, नानक जोर। गोविंद का, गोविंद का। पूरन गुणतास, पूरन गुणतास, पूरन गुणतास, पूरन गुणतास। बाणी गुरु, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, गुरु है बाणी। विच बाणी, विच बाणी। अमृत सारे, अमृत सारे। गुरबाणी कहे, गुरबाणी कहे। सेवक जन माने, सेवक जन माने। परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे। सोरठ महल्ला पंजवा, सोरठ महल्ला पंजवा। सिमर सिमर, सिमर सिमर। गुर सतगुर अपना, गुर सतगुर अपना। सगला दुख मिटाया, सगला दुख मिटाया। सिमर सिमर, सिमर सिमर। गुर सतगुर अपना, गुर सतगुर अपना। सगला दुख मिटाया, सगला दुख मिटाया। ताप रोग, ताप रोग। गए गुर बचनी, गए गुर बचनी। मन इच्छे, मन इच्छे। फल पाया, फल पाया। ताप रोग, ताप रोग। गए गुर बचनी, गए गुर बचनी। मन इच्छे, मन इच्छे। फल पाया, फल पाया। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सगला दुख मिटाया। सगला दुख मिटाया, सगला दुख मिटाया, सगला दुख मिटाया। ताप रोग गए गुर बचनी, मन इच्छे फल पाया, मन इच्छे फल पाया, मन इच्छे फल पाया। सोरठ महल्ला पंजवा, सोरठ महल्ला पंजवा। बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर, 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 बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर। सगले रोग बिदारे, सगले रोग बिदारे। गुरु पूरे की, गुरु पूरे की। सरणी उबरे, सरणी उबरे। कारज सगल सवारे, कारज सगल सवारे, कारज सगल सवारे, कारज सगल सवारे। हर जन सिमरिया, हर जन सिमरिया। नाम आधार, नाम आधार। हर जन सिमरिया, हर जन सिमरिया। नाम आधार, नाम आधार। ताप उतारिया, ताप उतारिया। सतगुरु पूरे, सतगुरु पूरे। अपनी कृपा धार, अपनी कृपा धार, अपनी कृपा धार, अपनी कृपा धार। रहाओ रहाओ सदा आनंद, सदा आनंद। करे मेरे प्यारे, करे मेरे प्यारे। सदा आनंद, सदा आनंद। करे मेरे प्यारे, करे मेरे प्यारे। हर गोविंद,
हर गोविंद गुर राख्या गुर राख्या वड़ी वड्याई वड़ी वड्याई नानक करते की नानक करते की वड़ी वड्याई वड़ी वड्याई नानक करते की नानक करते की साच शब्द सत भाख्या सत भाख्या साच शब्द सत भाख्या सत भाख्या साच शब्द सत भाख्या सत भाख्या धन गुरु नानक 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 सत श्री अकाल धन गुरु नानक धन गुरु नानक दास तो हाथ जोड़कर बेनती करेगा कि इन शब्दों का जाप हर रोज किया करो हर रोज जब ये सीडी बन जाए तो इन शब्दों को सोते समय अपने पास लगाकर सुना करो ये एक दिन का नहीं पांच दिन का है ये महापुरुषों के वचन है पांच दिन ये कोई इस प्रकार जिस प्रकार से आज सबने मन वृत्ति एकाग्रचित करके सुना है गाया है गाविए हैं सुनिए मन रखिए भाव इस प्रकार सुन लेंगे गुरु मेहर करेगा हम सबके तन मन और आत्मा तीनों आरोग हो जाएंगे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक कहते हैं ना तीने ताप निवारण हारा तीन प्रकार के ताप होते हैं एक तन के रोग एक मन के रोग और एक आत्मा के रोग जो जन्म जन्मांतरों से हमारी आत्मा को लगे हुए हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक ये तीनों प्रकार के रोग मिट जाएंगे गुरु नानक की अगर नजर हो गई प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक और उसकी नजर पाने का तरीका क्या है गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख घर ले जाए धन गुरु नानक धन गुरु नानक आइए अब दो पंक्तियां पढ़ें और समाप्त दुख पर हर सुख घर ले जाए दुख पर हर सुख घर ले जाए Let's go.